हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने कैनन के इंकजेट प्रिंटर के बारे में। हम उसके जो कार्ट्रिज है उसको रिफिल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो कार्ट्रिज के ये ऊपर जो लगा हुआ है इसे जो हमें हटाना होगा, और इसके बाद हम इसमें इंक फिल करेंगे। तो चलिए पहले इसे हटा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे हटा दिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो यहाँ पर एक छोटा सा होल बना हुआ है, तो इसमें से जो हमारी सिरिंज है वो अंदर नहीं जा पाएगी क्योंकि सुराख काफ़ी छोटा है। तो अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि हम इसमें जो इंक है उसे रिफिल कर सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो अब हम किसी भी सीजर की मदद से जो इस पर हम सुराख करेंगे ताकि हम इसमें इंक को फिल कर सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हमने सुराख को बड़ा कर लिया है होल को, और यहाँ पर जो हमारी सिरिंज है अच्छे से अंदर जा पा रही है, ये देखिए। तो अब हम इसे सिंपली फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको मार्केट में से कोई भी ऐसे इंकजेट इंक मिल जाएगी, वो आप ले आइए और उसको सिरिंज में फिल करेंगे। तो ये आमतौर पर जो एक खाली कार्ट्रिज होती है उसकी जो लिमिट होती है वो 15 ml की होती है। आप उसमें 15 ml तक का इंक भर सकते हैं। तो ज़्यादातर हमें इसे ओवर नहीं करना है, अगर हम ओवर करेंगे तो अच्छे से प्रिंट नहीं कर आएगा। तो अगर आपका कार्ट्रिज पूरा से खाली है तो आप इसमें 10 ml तक इंक भर सकते हैं। तो अब मैं इसमें इंक भरने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इंक भरने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो इसकी यहाँ से नोजल है इसको हम सील कर देंगे। तो सील करने के लिए आप किसी भी सेलो टेप की मदद से इसे सील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अब इसे सील करने जा रहा हूँ। आपको इसको बिल्कुल अच्छे से सील करना है। क्योंकि यहाँ से जो इंक है वो जब हम फिल करेंगे तो बाहर आएगी, तो इसलिए हम इसे सील कर रहे हैं। देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से सील कर दिया है। तो पूरी तरह से इसकी नोजल है जो वो सील हो चुकी है। तो अब इसमें हम इंक फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपको इंक फिल करनी है तो बिल्कुल धीरे धीरे से आपको इंक फिल करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो धीरे धीरे से इंक पूरी की पूरी अंदर जा रही है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 15 ml तक की हो सकती है अगर बिल्कुल खाली है तो। अभी ये बिल्कुल खाली है तो इसमें मैं 10 ml तक की इंक मैं अभी भरने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो इंक है वो पूरी तरह से अंदर जा चुकी है। इंक फिल करने के बाद अब हम जो इसके हमने जो इसे सील किया था, जो इसकी नोजल थी उसे हमने सील कर दिया था, तो अब हम उसे हटा देंगे। इसके बाद जो इसका
ये जितने भी एरिया है यहाँ पर, हमें सभी का सभी इसे साफ करना होगा। तो अब हम इसे ऊपर से सील कर देंगे दोबारा से। तो आपकी जो आप कार्ट्रिज है वो अच्छे से फिल हो चुकी है, और आप इसे अपने प्रिंटर में लगाकर अपने प्रिंट को दोबारा से निकाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना होगा। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। उसके बाद हम अपने प्रिंटर को रीसेट करेंगे ताकि ये इस कार्ट्रिज को उठा ले, क्योंकि कई बार हमारी कार्ट्रिज को उठाता नहीं है प्रिंटर और इंक नहीं शो करता है। तो अब हम वही ट्राई करेंगे। तो चलिए अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ब्लैक इंक है अभी भी हमें खाली ही शो कर रहा है। तो मैंने तो इंसर्ट कर दिया लेकिन फिर भी नहीं आ रही। तो अब हम इसे सिंपली हमें इसे रीसेट करना होगा। तो रीसेट करने के लिए सबसे पहले हम स्टॉप बटन को दबा कर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो ये रीसेट की है वो अभी ब्लिंक कर रही है, तो लाइटें अब ब्लिंक करेंगी। अब हम इसे ऑफ़ करेंगे, अब इसे दोबारा से ऑन करेंगे। तो अभी जो प्रिंटर है वो सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है।